हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। कुछ दिन मैं बहुत दिन नहीं था यूट्यूब पे और मैं फिर से आ रहा हूँ। और बहुत ही मतलब भाई लोग का कमेंट है कि भाई कौन सी गाड़ी लूँ, कौन सा गाड़ी खरीदूँ बेस्ट रहेगा ओला उबेर के पर्पज़ में। तो भाई मैं यही बोलूँगा, बड़ा गाड़ी का मार्केट नहीं है, छोटा गाड़ी ही लीजिए, बड़ा गाड़ी मत लीजिए, ठीक है। छोटा गाड़ी ही लीजिए, कोई भी छोटा गाड़ी ले लीजिए सही रहेगा, बड़ा गाड़ी मत जाइए अभी, ठीक है। कोविड के बाद से अभी तो फिलहाल मार्केट ठीक हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं ठीक हुआ है, मतलब अच्छा है, पहले से अच्छा है, इंक्रीज हुआ है, मैं ये बोल रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि नहीं भाई बोल दिया है तो हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा मार्केट है, ऐसा बात नहीं है, मतलब पहले से थोड़ा इंक्रीज हुआ है, अच्छा है, ठीक है। आप लेना है तो ले सकते हो, अगर खुद चलाओगे तो। अगर चाहोगे कि मैं ड्राइवर को देकर चलाऊंगा, ऊपर को मिलेगा और मेंटेनेंस भी और EMI भी निकल जाएगा, तो भैया ऐसा नहीं होगा। अगर आप ही चलाइए मतलब हैंडलिंग करिएगा एक गाड़ी को, तब आपको बचेगा, ठीक है। अगर आप चाहिएगा कि नहीं मैं एक ड्राइवर को दूं करूं, तो नहीं होगा भैया, ठीक है। तो बहुत ही कमेंट और DM आ रहा था मेरा मतलब यूट्यूब पे, तो मैंने देखा आज पिक किया कुछ कुछ मतलब ये, तो उसमें से बहुत सारे भाई लोग का यही कमेंट है कि भाई ओला उबेर में छोटा गाड़ी लेता है कि। तो भाई छोटा गाड़ी सब गाड़ी लेता है ओला उबेर में, ऑल्टो तक लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओला उबर ऑफिस में जाके आप अटैच कर सकते हैं या आप गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं ओला उबेर को। तो आप एक बार कस्टमर केयर से फ़ोन करके बात कर लीजिएगा, उबेर का कस्टमर केयर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है। और सब भाई और एक बात बोलना है, जो उबेर का स्ट्राइक चल रहा है, ठीक है, उबेर का स्ट्राइक चल रहा है, और स्ट्राइक इसलिए चल रहा है फेयर इंक्रीज के लिए। तो फेयर फिलहाल अभी उबेर ने 11% बढ़ाया है, तो अभी भी जितना भाई लोग है तो अभी भी कोई समस्या समाधान नहीं हो रहा है 11% से। उससे बोला गया कि मतलब अगर AC चलेगा तो कुछ बचेगा नहीं पैसा, तो अगर इस अभी भी नॉन AC चल रहा है, हम लोग जैसे कस्टमर है तो कस्टमर मतलब अगर गाड़ी में चढ़ता है, कस्टमर अगर पैसा पे कर रहा है और उसको अब विदाउट AC में लेके जाया जा रहा है, तो कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, तो इससे ड्राइवर का ID भी ब्लॉक हो रहा है, और ID मतलब परमानेंटली ब्लॉक हो जा रहा है कितने जन का, ये भी मैंने देखा। तो पता नहीं क्या हो रहा है अभी। और उबेर में तो वही कर रहे हैं, उबेर 25% कमीशन तो ले ही रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इसी चलेगा तो मतलब बचेगा क्या ड्राइवर लोग को, थोड़ा देखना चाहिए उबेर लोग को भी। और क्या बोलूँ, आप लोग कुछ क्वेरी रहे तो कमेंट करना, मैं आपको आपका भाई रिप्लाई करेगा ज़रूर, ठीक है। और दोस्तों गाड़ी का समस्या, बड़ा गाड़ी लेना है तो बड़ा गाड़ी लेके अगर कंपनी रहे तो ही लेना गाड़ी, बड़ा गाड़ी। अगर छोटा गाड़ी लेना है तो ओला उबेर में सही है, बड़ा गाड़ी लेना है तो कंपनी रहे, चाहे कोई ट्रैवल्स आपका रहे, चाहे जान पहचान किसी का रहे, कोई बोले कि गाड़ी मेरे को लगेगा आप उतारो, तो आप एग्रीमेंट करके आप उतार सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि आपको मैं सजेस्ट कर दूं कि नहीं भैया आप बड़ा गाड़ी ले लीजिए, ओला उबेर का अच्छा मार्केट है और आप जाके फंस जाइए, मैं ऐसा नहीं कभी बोलूँगा। आप छोटा गाड़ी ही लीजिए, वही बेस्ट रहेगा, उसी से आप कमाइए, ठीक है। और दोस्तों बहुत दिन बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया, मैंने मतलब थोड़ा कहीं चला गया था कहीं और क्या बोलूँ। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, नहीं है कमेंट जरूर करना, भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी, और कोई भी कमेंट रहे और तो बोलना, मैं वीडियो बना के आप लोग को लाइव बात करूँगा, ठीक है। तो चलो फ्रेंड, ये वीडियो यहीं पर मैं एंड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना, और जो नया चैनल पे देख रहे हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।